सर आज की क्या कुछ रिपोर्ट्स हैं? अम्बाला जिले में पिछले 24 घंटे में 90 नए कोरोना संक्रमण के केस सामने आए हैं। इन 90 नए केसों के साथ ही जो अम्बाला जिले में टोटल पॉजिटिव केसों की संख्या 3051 हो गई है। और जो आज केस सामने आए हैं उनमें से 48 केस हैं अम्बाला सिटी से हैं, 26 केस अम्बाला कैंट से हैं, 10 केस चोड़मतपुर से हैं, 4 केस नारायणगढ़ से हैं, 2 केस शहजादपुर एरिया से हैं। इसके साथ ही 72 लोगों के आज डिस्चार्ज हुए हैं जो कोरोना मुक्त हुए हैं, और जो कोरोना मुक्त होने वालों की संख्या 26 हो गई है, 2600 हो गई है। और जो आज एक्टिव केसों की संख्या बढ़ के 427 हो गई है। और जो टोटल डेथ है अम्बाला जिले में अभी तक 24 डेथ हुई है, और जो हमारी केस फैटलिटी रेट है वो हरियाणा की एवरेज से काफी कम है, 0.8% से भी कम हमारी केस फैटलिटी रेट है। अम्बाला का रिकवरी रेट लगभग 83% के आसपास चल रहा है। अम्बाला का रिकवरी रेट पिछले दिनों, आपको पता है पिछले दिनों काफी केस बढ़े हैं, इसलिए जो केस हैं अभी वो अभी एक्टिव केस थोड़े से बढ़े हैं, उसके कारण थोड़ा सा रिकवरी रेट 83-82% के आसपास है। सर ये जो वीकेंड का लॉकडाउन अब किया गया है इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखिए वीकेंड का लॉकडाउन में कम से कम जो लोग संक्रमण तो फैलता भी ज्यादा, अगर कम से कम लोग गैदर होंगे तो यह संक्रमण रुकेगा। चाहे 2 दिन का ही हो, इफेक्ट 2 दिन का भी काफी पड़ेगा कि लोगों की गैदरिंग तो रुक जाएगी ना, उससे यह है कि इसका अच्छा इफेक्ट आने वाला है कि 5 में से 2 भी 7 में से 2 दिन तो कम से कम लोग इतने बाजारों में भीड़ नहीं होगी। सर